चार अचीवर्स, माई सेल्फ रजत शर्मा। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है मीडिया एंड स्पेसिफिक ऑडियंसेस। जो भी हमारी मीडिया है उसके जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक है। इट मीन्स कि जो भी ऑडियंस है उसका एक पर्टिकुलर मोटिव है कि वो किस वजह से उसको कंज्यूम कर रहा है। जैसे अकॉर्डिंग टू पर्पस, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन सीकिंग, देयर पर्पज इज टू सीक इंफॉर्मेशन। इनका जो मुख्य रीजन है उसको कंज्यूम करने का, मीडिया का जो भी कंटेंट है क्या है, कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे न्यूज, पैनल डिस्कशन और इंटरव्यूज वगैरह। नेक्स्ट है रिक्रिएशन सीकिंग, दीज सेट ऑफ पीपल यूज मीडिया फॉर देयर रिक्रिएशनल पर्पजेस एंड एंटरटेनमेंट। ये ऐसे लोग हैं जो मीडिया को कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्पज है वो रिक्रिएशनल है, मींस जो उसको कुछ रिक्रिएट करना चाहते हैं, और एंटरटेनमेंट, जैसे सिनेमा गोर्स, थिएटर वॉचर्स एक्सेट्रा। जो सिनेमा गोर्स हैं वो पिक्चर देखते हैं और रिलेट करते हैं उसको अपने आप से। जैसे जो उनके एक्टर ने कोई पर्टिकुलर चीज करी है तो वो उसको रिलेट करते हैं अपने आप से। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशनल, दीज आर दी ऑडियंस हु लाइक टू रेज देयर कंसर्न और वॉइस देयर ओपिनियंस टू कंफर्म देयर बिलीव टू देयर सोशल ग्रुप, लाइक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्रिकेट मैच एसेट्रा। ये कैसे लोग हैं? ये वैसी ऑडियंस है जो उनका जो कंसर्न है या उनकी जो आवाज है किसी भी ओपिनियन के प्रति, ये उसको रेज करना चाहते हैं। और जो भी उनके बिलीफ है वो उसमें श्योर होना चाहते हैं कि जो उनके बिलीफ है वो सही है या नहीं है। जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्रिकेट मैच। पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसी की पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है तो वो क्या करते हैं, उस बिलीफ को उस आइडियोलॉजी के साथ चल पड़ते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी विचारधारा की है। फिर वो क्या करते हैं, जो भी उनके बिलीफ है उससे उसको क्रॉस चेक करते हैं और ये जस्टिफाई करते हैं कि जो भी उनके बिलीफ है वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, पहले आ जाते हैं द इलिटरेट, दे आर द पीपल हु नीदर रीड नॉर राइट एंड डिपेंड ऑन ऑडियो विजुअल मीडियम टू गेट इंफॉर्मेशन, दे आर पैसिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इलिटरेट ऑडियंस कौन सी होती है, जो पढ़ नहीं सकती, रीड नहीं कर सकती, लिख नहीं सकती, और किस पर बेस है ये, ऑडियो विजुअल मीडियम पर ही बेस है। ये पैसिव मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के। इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा पार्ट नहीं लेते हैं इंटरेक्शन में, ये सिर्फ जो किसी ने कुछ सुना दिया तो ये उस पर बिलीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रैग्मेटिक्स, दे आर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, दे डोंट लाइक टू बी मेयरली साइलेंट स्पेक्टेटर्स। ये बहुत एक्टिव मेंबर होते हैं सोसाइटी के, ये कुछ भी देखने के बाद साइलेंट नहीं बैठते हैं। दे हैव ग्रेटर एंड मोर डाइवर्स मीडिया एक्सपोजर एंड लाइक टू कीप देमसेल्फ वेल इन्फॉर्म। ये मीडिया से काफी ज्यादा से मीडिया के प्रति इनका ज्यादा लगाव होता है। ये उसको कंज्यूम करते हैं, उसके कंटेंट को, और मीडिया से ज्यादा एक्सपोज होते हैं, और ये वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। जो भी करंट अफेयर्स हैं या जो भी न्यूज में चल रहा है उससे ये वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं। दे आर कंसर्न विद मेटीरियल अचीवमेंट्स, दे आर मिडिल क्लास पीपल एंड टारगेट ऑडियंस फॉर एडवर्टाइजर्स। ये बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं मटेरियल अचीवमेंट से। इनका कंसर्न क्या होता है कि अगर इन्होंने किसी डेवलपमेंट में या किसी प्रोग्राम में पार्ट लिया तो उनको इसका ग्रैटिट्यूड मिले या उनको इसका रिवॉर्ड मिले, तो इससे ज्यादा ये कंसर्न रहते हैं। ये बेसिकली कौन है, ये मिडिल क्लास पीपल है। और आपको यह पता होना चाहिए जो मिडिल क्लास पीपल है वो ज्यादातर जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं उसके टारगेट ऑडियंस का ग्रुप है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल्स, दे आर द पीपल कंसर्न विद इश्यूज, आइडियाज एंड फिलोसफी रादर देन मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स। ये वो लोग हैं जिनको आइडिया से या इश्यूज से कोई आइडिया और इश्यूज ज्यादा इनके लिए मायने रखते हैं, रादर देन जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है। इट मीन्स ये किसी भी कंटेंट में या न्यूज आइटम में ये देखते हैं कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, बजाय इसके कि उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, हम उसको कैसे यूज करें। और इनका मेन कंसर्न ये रहता है कि
जो टेंट है वो उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है। इट मीन्स कि जो भी जो कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है वो इंटेलेक्चुअली उनके लिए फिजिबल है या नहीं है, कि वो उनके कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है जो भी उनकी आइडियोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ओरिएंटेशन, इसमें फर्स्ट आ जाते हैं कैजुअल ऑडियंस। दे आर द ऑडियंस हु लाइक टू यूज मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, मीडिया एक्ट्स एज पास टाइम। ये कैजुअल ऑडियंस जो होती है वो मीडिया को यूज करती है फॉर एंटरटेनमेंट के लिए खाली, उनको इससे आइडियोलॉजी से या और किसी चीज से मतलब नहीं है। अगर वो खाली समय में बैठे हैं तो वो मीडिया का यूज करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पैसिव ऑडियंस। दे आर पार्शली ओरिएंटेड पैसिव लिसनर्स हु मेक कैप्टिव लिसनर्स व्यूजर और रीडर्स। दिस इज बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस। पैसिव ऑडियंस ये होती है कि वो पार्शली ओरिएंटेड होते हैं, इट मीन्स वो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, और वो कैप्टिव लिसनर्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। जैसे जो स्टूडेंट है उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसको अपनी टेक्स्ट बुक रीड ही करनी पड़ेगी, चाहे वो उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसको वो रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो कंटेंट आएगा वो उसी बुक से आएगा। नेक्स्ट है सिलेक्टेड ऑडियंस। दीज आर द ऑडियंस हु असेंबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दीज ऑडियंस आर सिलेक्टेड फॉर एक्सपोजर टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट ओनली। ये सिलेक्टेड ऑडियंस कौन सी होती है? जो असेंबल हुई है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब ये जनरल ऑडियंस नहीं है, ये पर्टिकुलर ऑडियंस है। ये जो इसका सिलेक्शन क्यों हुआ है? इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है कि एक पर्टिकुलर एक्सपोजर उनको देना है। लाइक जो साइंटिस्ट हैं, जैसे कोई साइंस की मैगजीन है तो किसके लिए यूजफुल रहेगी? जिसका साइंटिफिक टेम्पर है, जो साइंस का स्टूडेंट है उसी के लिए, और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज ऑडियंस। दीज आर द ऑडियंस हु आर मेंटली प्रिपेयर टू टेक एक्शन एट एनी टाइम एंड आर एंथुसियास्टिक अबाउट इट, बट लैक ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन देयर एंथुसियाज्म फेड्स आउट। ये कौन सी ऑडियंस है? ये ऑर्गेनाइज ऑडियंस है, जो मेंटली तो प्रिपेयर्ड है किसी एक्शन लेने के लिए, बट उनके पास गाइडेंस की या डायरेक्शन की कमी है। उनको नहीं पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है। वो चाहते हैं, दे आर विलिंगली टू टेक एक्शन, बट उनको नहीं पता कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है जब तक उन्हें कोई गाइडेंस ना मिले। और अगर वो गाइडेंस उन्हें नहीं मिलती, जो उनका उत्साह है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे जो फार्मर्स हैं हमारे, दे आर एमिंग टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं बट उनको नॉलेज ही नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है। जैसे जो हाउसवाइफ्स हैं, कुछ वो अपना बिजनेस यूनिट शुरू करना चाहती है बट उनको ये पता ही नहीं है कि वो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।